गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ना, आज सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ। आज है संडे और आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने सारे कपड़े निकाल क्यों रही हूँ। तो मैं आज थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा सफाई होने वाली है आज। था मैंने कहा सारे कपड़े सुखा देती हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे, तो सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। तो बाहर के बेड में जो कंबल वगैरह थे वो तो मैंने डाल दिया, तो अंदर के रूम के सारे जो भी कपड़े हैं वो हनी के पापा आप देख रहे होंगे बाहर लेके जा रहे हैं। और वहाँ पर हमने बाहर पर कालीन बिछाई हुई है, तो बस सारे कपड़े लेके चले गए दोनों जगह के, दोनों बेड के नीचे दोनों खाने होते ना उसके सारे कपड़े बाहर डाल दिए हैं। और कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं, कंबलें डाली हुई हैं। तो मैंने कहा चलो अंदर का बेड खिसका के उसके नीचे की अच्छे से क्लीनिंग। आज मतलब सुबह से इतनी बिजी हो गई थी मैं, इतना ज़्यादा काम हो गया था। और सारे अच्छे से सफाई हो गई, कपड़े सारे धूप पे हैं, तो उसके बाद जब वो सूख जाएंगे उनको अंदर रखना है। सारे कंबल हैं, मैंने सोचा चलो ठंडियों का टाइम भी आने वाला है तो कपड़े जो हैं सुखा के रख देते हैं ना। और दूसरा जो मैं कह रही थी कि कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो गए थे तो कोने कोने में ज़्यादा जाता, आप लोगों को पता ही होगा। तो बस उन्हीं की सफाई वगैरह हो रही थी। और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया, आई थिंक 9:30 या 9:30 करीब हो चुका है टाइम। तो मैंने कहा संडे है, आराम से करते हैं नाश्ता वगैरह, पहले थोड़ा सफाई कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता होगा, फिर नहाना धोना होगा। तो ये बेड ना काफ़ी भारी होता लेकिन आज खाली हो गया था, तो मैंने भी इसको आराम से खिसका दिया था। और अभी उधर खिसकाने के लिए फिर हनी के पापा ने थोड़ी हेल्प कर दी, तो हनी के पापा भी बराबर मेरे साथ उतनी ही हेल्प कर रहे थे, क्योंकि अकेले में ना इंसान बहुत ज़्यादा फील करता है कि बहुत ज़्यादा काम। और आप देख सकते हैं बाहर पे कितने सारे कपड़े हैं, ये सारे वही कपड़े हैं जो बेड में रखे हुए थे पहनने वाले, घर पे पहनने वाले। और सारे कपड़े तो गोदरेज में हैं, तो गोदरेज के मैंने कपड़े नहीं डाले हैं, ये सिर्फ मैंने क्या कहते हैं बेड के डाले हैं। और सारी कंबलें डाली हैं, साथ ही वहाँ पर बड़ी भी सूख रही है और एक तरफ सूख गए थे, काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई थी, तो मैंने पलट दिया है सारे कपड़े। अच्छे से सूख जाएंगे तो क्या होता ना, जो भी चीज़ें होगी वो ख़त्म हो जाती है ना, कपड़ों पे सीलन भी आ जाती है रखे रखे। और ये ठंडियों की स्वेटर भी है जो घर पे पहनने वाली हैं, तो वो भी सारी सुखा के अच्छे से सारे कंबल हैं पलट के, मतलब हर तरफ से सूख जाए, तो मैं बार बार उनको पलट रही थी जैसे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी। जब मैं अभी पलट रही थी ना मेरे हाथ जल रहे थे इन कपड़ों पे हाथ लगाते हुए, और मैं वही कह रही थी हनी के पापा को कि काफ़ी तेज़ धूप हो गई है इनको अंदर रखें, तो ये कह रहे थे नहीं नहीं अभी रहने दे, क्योंकि मुझे लग रहा 12 बज गया था शायद। और हमने इन कपड़ों को 12:30 बजे करीब अंदर लेके आ गए थे हम, काफ़ी 3-4 घंटे बहुत अच्छे से सूख गए हैं। और अभी जस्ट मैं हनी को नहला के आई हूँ, आ गई हूँ मैं नहला के, हाँ हनी को नहला के आ गई हूँ। तो ये जो चादरें हैं, जो कंबलों के कवर होते हैं, उनको मैं अलग कर रही हूँ और बाकी कपड़े मैं बाहर पे रख दूँगी, ताकि मैं बाहर पे फोल्ड करती रहूँ और हनी के पापा फटाफट से बेड में शिफ्ट करते रहे, है ना, इससे काम थोड़ा हल्का हो जाता है। और ये सारी आप देख रहे होंगे उसके कवर भी हैं, गद्दे के कवर भी हैं, दिमाग से उतर जाता है ना। तो ये देख सकते हो आप, मैंने ये सारे कपड़े मैं बाहर पे लेके आ गई हूँ, तो चलिए मैं कंबल वगैरह अंदर लेती हूँ, फिर उनको फोल्ड करके फिर उनको रखते हैं।
देख सकते हो सारी कंबल मैं अंदर लेके आ गई हूँ। तो एक तरफ से हम फोल्ड करेंगे, जो जो मतलब कंबल है हमको पैक करनी है वो हम पैक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पैक करने के लिए मतलब कवर है नहीं, उनके सारे कवर फट चुके हैं। बट ये मैंने कुछ ही टाइम पहले ख़रीदी थी ये जो कंबलें हैं, तो उनके इस तरीके के थैले थे, तो थैले में सेफ़ रहता है, कपड़े है ना गंदे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने हनी के पापा को कहा चलो इनको रखते हैं अच्छे से। और जो यूज़ होनी है उन पे हमने कवर चढ़ाए नहीं चढ़ाए, हाँ चढ़ाए था, कवर चढ़ाए था, मतलब जितने थे उतने पे चढ़ाए, जितने पे नहीं था तो वो ऐसे रख दिया था। और ये दो कंबल हैं इस तरीके की, आप देख सकते हो। और हनी बाहर पे जा रहा था तो हम उसे कह रहे थे बाहर मत जा हनी, वहाँ पे मंकी है, तो ये देखो कैसे देख रहा है, बाय बाय कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और हनी के बाल देख रहे हो आप काफ़ी लंबे हुए, और सारे जो ये कवर है ना जिसमें कंबल ने रखते हैं वो सारे फट गए हैं यार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इनको, आई थिंक मेरी शादी के टाइम पे लिया था। जो ये कंबल हनी के पापा के हाथ पे है ना, तो ये हनी के पापा की अपनी कंबल है, जब वो यहाँ मतलब शादी से पहले अलग रहते थे कहीं रूम पे, तो इनकी ये कंबल है, और कंबल नहीं ये रजाई है, आई थिंक कंबल ये है जो हम अभी रख रहे हैं। और ये हमने मेरी शादी के टाइम पे ख़रीदी थी गोपेश्वर से। तो किसी किसी के कवर तो अच्छे हैं, किसी के पूरे बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ये है कि धूल इधर उधर से ना लगे, है ना, तो इस वजह से हम थोड़ा बस सेफ्टी के लिए रख देते। और मैं भी नहा के आ गई हूँ, मैं बताना भूल गई, मैं नहा के आ गई हूँ, और आज अपनी मैंने टी शर्ट पहनी हुई है स्पोर्ट्स की, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ऐसे रखे थे, हनी के पापा भी नहीं पहन रहे थे क्योंकि उनको भी टाइट हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही पहन देती हूँ। और ये सारे फोल्ड करके बस हम एक एक करके रख देंगे, और जिन पे कवर नहीं है उनके नीचे हमने ये सारे थैले बिछा के रखे हैं ताकि गंदे ना हो। ये बाहर वाला बेड है, ये भी मैंने अच्छे से क्लीन किया था साफ़ करके, और तो बस हनी के पापा इनको सेट कर रहे हैं। दो में ना काम का पता नहीं चलता, अकेले मैं करती तो मुझे शायद बहुत ज़्यादा काम हो जाता, और दोनों ने मिलके काम किया तो काम का पता ही नहीं चला। अभी जब मैं नहा के आई फिर हमने खाना वगैरह खाया, तो मैंने कहा फटक से इनको रख देते हैं फिर आराम से सोए रहेंगे, और आज हम बहुत लेट तक सोए थे क्योंकि थक गए थे हम बहुत ज़्यादा, इतना सारा काम हो जाता है ना। और ये कंबलें काफ़ी सुंदर हैं, ये दोनों कंबलें मैंने यहीं से ली थी कुछ टाइम पहले, तो ये देखो ये सारे कपड़े मैं बाहर पे लेके आ गई, पहले मैं अंदर लेके गई फिर मैं बाहर पे लेके आ गई, क्योंकि फिर हनी के पापा ने कहा ना कि तू यहाँ पे फोल्ड कर, मैं फटाक से रखती हूँ। और पहले मैं रख रही हूँ घर के कपड़े, जो कि स्वेटर वगैरह जो भी हैं, है ना, और ये जो पैक कर रही हूँ ना मैं, ये सारे नई जैकेटें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जैकेटें हैं, तो इसलिए ये गोदरेज पर जगह नहीं है इतनों के लिए, तो इसलिए मैंने ये सारे पैक करके एक पॉलीथीन में पैक करके बेड में डाले हुए हैं ताकि सेफ़ रहे, है ना। और ये सारे घर के स्वेटर हैं जो मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो हनी के पापा ने कहा पहले घर के जो स्वेटर हैं जो अभी काम नहीं होने वाली हैं उनको नीचे से रखेंगे, तो उनको तो फोल्ड कर फटाक से, तो मैं रखते जाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये रख रहे हैं, और इतना ईजी हो गया था ना फिर काम, अगर मैं अकेले रहती तो मुझे खुद फोल्ड करने पड़ते, खुद रखने पड़ते, है ना। और ये मेरी है, ये मेरा ट्रक सूट का अपर है ऊपर का, जो आपने देखा अभी ब्लू और रेड कलर का, और इतनी सारी स्वेटर हैं हनी के पापा की, मेरी दोनों के जितने भी गर्म कपड़े थे वो मैंने पहले फोल्ड किए हैं। तो चलिए फटाक से मैं इनको फोल्ड करती हूँ।
स्वेटर जैकेट जितने भी थे सारे रख दिए हैं, और ये कुछ नए कपड़े बचे हुए थे तो उनको भी मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। और यानी कि पापा को मैं कह रही थी इनको इसमें रखो आप अच्छे से और पैक करके रख दो, है ना। तो दोनों लगे पड़े हैं, हनी बस अपना खेलने पे लगा हुआ है। और ये सारी सूटें हैं जो भी हैं मेरे वो घर के, तो बस फिर उनको फोल्ड करूँगी। अब कपड़े तो इतने ज़्यादा हो गए थे, मैं एक बार सोच रही थी गोदरेज के भी कपड़े सुखा देती हूँ, बट बाद में मुझे ऐसा हुआ कि यार ये सारा हौशपौस सा हो जाएगा कि कौन से कपड़े गोदरेज में रखने कौन से बेड में रखने, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट इनको सुखाना ईजी समझा। मैंने सोचा चलो इनको वो कर देती हूँ। और सूटों की ना बहुत सारी सूट ऐसी है जो मेरे पे टाइट हो गई थी तो मैंने अपनी बहन को दे दिए थे पहनने के लिए, काफ़ी नए थे तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट ज़्यादा हो गया था तो इस वजह से कपड़े नहीं आ रहे थे, तो उनकी चुनियाँ यहीं छूट गई। तो मैं इनको कह रही थी इन चुनियों को सारा एक थैले में रखो और फिर जब वो आएंगी तो उनको दे देंगे, है ना। कपड़े आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने पैक कर दिए हैं और बस थोड़ी सी रह रखे। काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था जब मैं ये लास्ट के कुछ कपड़े फोल्ड कर रही थी, मैंने कहा बस यार आज का बहुत काम हो गया था, बहुत ज़्यादा हम दोनों थक गए थे। पहले कपड़ों को बाहर ले जाओ, फिर उनको सुखाओ, कंबलों को सुखाओ, उनको पलटते रहो, बाहर पे बैठ रहो धूप में, क्योंकि बंदर आके ना कपड़े लेके जाते हैं। तो हम बैठे थे वहाँ पे कुछ टाइम तक, हनी के पापा बैठे थे, फिर मैं बैठी, फिर हनी को नहलाया, फिर खुद नहाई, कपड़े धुले, तो इतना सारा काम हो गया था। तो ये सारा काम हो चुका है और ये देख सकते हैं हनी के पापा ने कितने अच्छे ढंग से सेट किया हुआ है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ शाम को। आप लोगों ने मुझे लास्ट में उस टाइम पे देखा होगा जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, कपड़े रख रही थी ढंग से, तो उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और नहाना धोना, कपड़े धोना, आज संडे था तो आप लोगों को पता ही होगा नहाना धोना भी होता ही है, तीनों का था, इनके ऑफिस के कपड़े सब कुछ थे, और आज पूरा दिन इसी में चले गया। तो है ना, मैंने कहा चलो आपको बाय कर देती हूँ एक बार, आप लोगों को अपना फेस दिखा के, फेस तो आप लोगों ने देख लिया लेकिन सामने सामने वाला जो बोलते हैं। और अभी तक देखो मैंने कंघी तक नहीं किया है नहाने के बाद, और आज मैंने पहनी अपने स्पोर्ट्स की टी शर्ट। तो मेरे पास तीन चार या पांच टी शर्ट हैं स्पोर्ट्स की ऐसी रखी हुई है, हनी के पापा भी नहीं पहनते क्योंकि उन पर टाइट हो रही है। और अब मैंने सोचा कि यार जब मेरी है तो क्या शर्म किस बात की है ना अपनी टी शर्ट पहनने में, तो मैंने आज एक तो पहन दिया, देखती हूँ धीरे 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 सारी पहन लूँगी घर ही पे। तो चलिए फिर हनी और हनी के पापा चले गए छत पे, मैं भी जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए छत पे। 6:30 करीब हो चुका है और बाहर बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, ये देख सकते हो आप। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी कल नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।